नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस खास पेशकश CGPSC मेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। 6 मार्च को आप सभी के समक्ष डिस्कशन कम्युनिटी में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य का एक टॉपिक का क्वेश्चन रखे गए थे। ये टॉपिक जो था वो था छत्तीसगढ़ की जो अन्य जनजातियाँ हैं उसका पार्ट टू, ठीक है। तो इससे 6 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष रखे गए थे और ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से होना चाहिए। इसकी जब भी हम इसके आंसर्स लिखें तो हमें किस डायरेक्शन में लिखना है और किन किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना है, आज का जो वीडियो होगा ये इसी पर केंद्रित होगा। तो आते हैं हमारे यहाँ पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी जनजातियाँ कास्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले आप कम से कम क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना चाहिए ताकि आप ये जान सको कि वो पूछना क्या चाह रहा है, और जितना वो पूछना चाह रहा है उसका ही आपको आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की किन किन जनजातियों के द्वारा कास्ट शिल्प का कार्य किया जाता है, ठीक है। अब तो पहले आप बताओगे कि ये कास्ट शिल्प होता क्या है, आप नहीं भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कास्ट शिल्प को यदि 4 या 5 या 6 शब्दों में आप बता सकते हो तो आप ज़रूर बताओ कि हाँ कास्ट शिल्प होता क्या है। तो कास्ट शिल्प क्या होता है कि लकड़ी में विभिन्न रूपाकारों को उतारने की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं, कास्ट शिल्प की कला कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो लकड़ी है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है, और उसमें जब आप उसे जब आप बहुत सारे रूप या आकार दे दिया करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, कास्ट शिल्प कला कहा जाता है, ठीक है। तो आप यदि इसे एक लाइन में या फिर कह सकते हैं कि 7 से 8 शब्दों में बता सकते हो तो आप बता दीजिए, लेकिन आप इसके डेफिनेशन पे ही आपने पूरे 20 शब्द ख़त्म कर दिए तो मत बताओ आंसर। मतलब उनको नहीं जानना है कि कास्ट शिल्प क्या होता है, उनको ये जानना है कि किन किन जनजातियों के द्वारा कास्ट शिल्प का कार्य किया जाता है। तो आपको 30 शब्द मिले हैं ये बताने के लिए, और अगर आप इन शब्दों को इस पर खर्च करोगे कि कास्ट शिल्प क्या होता है, उसको डिफाइन करोगे, 2 लाइन में डिफाइन करोगे, तो फिर आप किन किन जनजातियों के द्वारा कास्ट शिल्प का कार्य किया जाता है वो आप कहाँ लिखोगे। वैसे भी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है जो एग्जामिनर है कि कास्ट शिल्प किन किन जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ना कि ये कि कास्ट शिल्प होता क्या है, ठीक है। तो आपको समझना है पहले कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको आंसर क्या लिखना है। तो देखिए ये जो कास्ट शिल्प जो है ये जनजातियों में बहुत सारी जनजातियों के द्वारा कास्ट शिल्प का कार्य किया जाता है, लेकिन मेनली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो फेमस जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, मुरिया जनजाति और कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के द्वारा जो कास्ट शिल्प का कार्य किया जाता है वो बहुत ही अद्वितीय है। इनकी जो मीनाकारी होती है ये बहुत ही खूबसूरत होती है। इनके द्वारा जो बनाए गए मृतक स्तंभ होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी प्रकार मुरिया जनजाति को हम देखें तो ये कास्ट शिल्प में निपुण है। जब भी अगर CGPSC में क्वेश्चन आता है, प्री में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कास्ट शिल्प में कौन सी जनजाति निपुण होती है, तो वो आपको आंसर में मुरिया जनजाति लिखना है, क्योंकि मुरिया जनजाति जो कास्ट शिल्प का कार्य करती है उसमें जो वो बहुत सारी वस्तुएँ बनाती है, मतलब कि वैराइटीज़ बहुत है वस्तुएँ बनाने की, और बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कास्ट शिल्प में निपुण कौन सी जनजाति है, तो वो मुरिया जनजाति है। इनके द्वारा देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। इसके अलावा जो घोटुल के खंभे होते हैं वो भी कास्ट के बने होते हैं। जो कृषि उपकरण होते हैं वो कास्ट के बने होते हैं। कुल्हाड़ी जो इनके लकड़ी काटने का काम आता है ये भी कास्ट का बना होता है। जो झूलों का निर्माण किया जाता है वो भी कास्ट का बना होता है। तो इस प्रकार से मुरिया जनजाति कास्ट का प्रयोग करके बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ वस्तुओं का निर्माण करती है, इसलिए इसे कास्ट शिल्प में निपुण माना जाता है। इसके अतिरिक्त मुरिया जनजाति जो है कंघी कला में भी निपुण होती है, और वो जो कंघी जो बनाया जाता है वो कास्ट का बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। कोरकू जनजातियों का जो मृतक स्तंभ होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अतिरिक्त बाकी जो जनजातियां हैं जो कास्ट शिल्प कार्य करती हैं उसमें भी बहुत सारी जनजातियां हैं। जैसे कि हम धनवार जनजाति को देखें तो ये धनुष बाण बनाने का कार्य करती है। किससे बनाती है, कास्ट से बनाती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर कास्ट शिल्प का कार्य करती है, लेकिन आपको 30 शब्दों में बताना है तो एटलीस्ट आप इन दोनों जनजातियों के बारे में तो बताइए,
आपको 2 मार्क्स चाहिए तो एटलीस्ट इन दोनों जनजातियों के बारे में बताइए। उसके बाद आप बता सकते हैं कि हाँ माड़िया जनजाति के लोग जो अंगा देव की जो मूर्ति बनती है वो कास्ट शिल्प की बनती है वो बनाते हैं। कमार जनजाति के लोग बांस शिल्प का कार्य करते हैं। बांस अगर एक लकड़ी की प्रजाति है तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि बांस शिल्प का कार्य कौन करता है, कमार जनजाति के लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कास्ट शिल्प के बारे में। लेकिन आपके आंसर में कुछ हो या ना हो, ये दोनों पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, जिसमें आयुषी गुप्ता का आंसर मुझे अच्छा लगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप उनके आंसर को जाके देखिए कि उन्होंने किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा और अपना आंसर जो है वो लिखा है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जितने भी डिस्कशन कम्युनिटी में स्टूडेंट्स के आंसर आते हैं, मैं सबका जो आंसर है वो मैं देखती हूँ, एनालिसिस करती हूँ। हो सकता है कि मैं वहाँ पर कमेंट नहीं कर पाती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर देख नहीं रहे हैं। हम सब एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और पहले से जो स्टूडेंट्स हैं जो आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर राइटिंग में सुधार आया है। और आकांक्षा पांडे, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे जाते हैं। आपके जो भी आंसर होते हैं बहुत इंप्रेसिव होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लिखती हैं। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, जो भी आपका मेंस है उसके लिए मैं आपको वेल विशेस देना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें उसमें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अभी हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है, हमारे पास नॉलेज अच्छा है, हम आंसर अच्छा लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें मैं चाहूँगी, और आपके आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे जाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि वो भी मेहनत करें और आकांक्षा के आंसर जाके देखें कि वो बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं और अपने आंसर्स में भी सुधार करें। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिंझवार जनजाति में तीर के महत्व को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एरोस इन द बिंझवार ट्राइब। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में लिखना है आपको। क्या पूछा जा रहा है? तीर के महत्व को बताना है बिंझवार जनजाति में। वो पूछ रहा है क्या ये कहाँ निवास करती है, ये कौन से मूल की जनजाति है, नहीं पूछ रहा है ना, तो आपको नहीं बताना है। आपको क्या बताना है कि तीर के महत्व को कैसे आप बता सकते हो बिंझवार जनजाति से रिलेट करके, आपको यही बताना है। इनके जीवन में तीर का महत्व कैसा है, कहाँ कहाँ पर ये लोग जो है तीर का उपयोग करते हैं, आपको यही बताना है, इसी में फोकस होना है। आयुषी गुप्ता, आपने इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। वहीं पर मैं अनर बघेल को कहना चाहूँगी कि आपने जब आंसर लिखा है तो शुरू के 4 लाइन में आपने तीर से संबंधित कोई भी बात नहीं लिखी है। आपने ये बताया कि वो कहाँ निवास करते हैं, आपने बहुत कुछ लिखा है उसमें, लेकिन तीर की बातें कहाँ स्टार्ट हो रही है, 5वें लाइन में स्टार्ट हो रही है। तो एक जो जांच करता है वो 2रे या 3रे लाइन तक ही पढ़ता है और वहाँ से वो अजम्पशन ले लेता है कि इसने आगे का आंसर कैसा लिखा है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका जो आंसर है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए। आपने 4 लाइन जो है बिंझवार जनजाति के बारे में लिखा है, लेकिन 4ों लाइनों में कहीं पर भी तीर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके पास 30 शब्द ही हैं, तो आपको सब कुछ जो भी कुछ बताना है अपने आंसर में वो तीर से संबंधित बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जो बिंझवार जनजाति है वो अपना पूर्वज किसे मानते हैं, विंध्यवासिनी देवी के जो पुत्र बारा भाई बेटकर है उनको मानते हैं। तीर से कैसे संबंधित है, क्योंकि ये जो बारा भाई बेटकर थे ये बहुत ही अच्छे धनुर्धारी थे और वहीं से ऐसा हुआ कि ये जो तीर है इसका महत्व इनके जीवन में आया। तो चूंकि अपना पूर्वज जो है वो बारा भाई बेटकर को मानते हैं जो कि बहुत ही अच्छे धनुर्धारी थे, तो यहाँ से आप लोग को स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन के आंसर को, बताना है कि अपने पूर्वज किसे मानते हैं, बारा भाई बेटकर को। फिर आप बताएंगे कि ये अपने जाति चिन्ह के रूप में किसे मानते हैं, तीर को मानते हैं, और इन अपने नाम के साथ, अपने पशुओं के नाम के साथ जो भी ये वस्तुएं उपयोग में करते हैं उसके नाम के साथ किसे अंकित करते हैं, तीर को अंकित करते हैं। इवन जब इनके जनजाति में विवाह होता है तो जो मंडप होता है, मंडप जो होता है महुआ वृक्ष का होता है, तो महुआ वृक्ष के साथ ये तीर को भी गाड़ते हैं वहाँ पर। मतलब कि इनके विवाह संस्कार में भी तीर का उपयोग किया जाता है। इवन ऐसा भी होता है कि उचित वर नहीं मिलने पर, अगर किसी स्त्री के लिए कोई उचित वर नहीं मिलता तो उसका विवाह किससे कर दिया जाता है, तीर से कर दिया जाता है। मतलब कि इनमें तीर विवाह जो है वो प्रचलित है।
तो इस प्रकार तीर से संबंधित जितना कुछ भी आपको पता है वो आपको अपने आंसर में लिखना है। जितने भी स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो छत्तीसगढ़ सारगर्भित पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक उनके लिए छत्तीसगढ़ सारगर्भित है, तो अच्छी बात है। आप लोग के आंसर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग छत्तीसगढ़ सारगर्भित पढ़ रहे हैं, तो अच्छी किताब है, पढ़िए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भतरा जनजाति की विशेषताएं लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भतरा ट्राइब। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अनामिका राकेश ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। और मैं नवीन साहू को कहना चाहूँगी कि देखिए भतरा जनजाति के बारे में आपको जानकारी नहीं देना है, आपको उनकी विशेषताएं बतानी है, आपको उनके बारे में सब कुछ नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि उनकी विशेषताएं क्या है, मतलब बाकियों से अलग क्या है उनमें, आपको ये बताना है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो इसमें फोकस होना चाहिए कि उनकी विशेषताएं क्या है, ना कि भतरा जनजाति की जीवन शैली कैसी है, वो लोग क्या क्या कार्य करते हैं, इन सब पे हमको नहीं जाना है, उनकी विशेषताएं बताना। विशेषताएं का मतलब ही यही है कि बाकियों से उनमें अलग और अच्छा क्या है, ठीक है। तो आपको अपने आंसर में ये लिखना है, ये समाहित करना है। तो इसका आंसर देखिए कैसा होना चाहिए, पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये जो भतरा जनजाति के लोग हैं ये बस्तर की सीमा से लगा हुआ जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, वहाँ से ये बस्तर के क्षेत्र में सामाजिक स्तरीकरण के दृष्टिकोण से आए थे और यहाँ के शासकों ने, मतलब कि बस्तर के शासकों ने इन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार देकर राजकीय मान्यता दे दी थी। तो आपको बताना है कि ये कहाँ निवास करते हैं, एक्चुअली ये उड़ीसा के क्षेत्र में निवास करते हैं और प्रेजेंटली कहाँ निवास करते हैं, बस्तर में निवास करते हैं। लेकिन आपने इनके निवास के बारे में कुछ बताया क्या, नहीं बताया। आपने स्टोरी बताया कि कैसे वो यहाँ से यहाँ पर आए, तो आपको पहले बताना है कि हाँ ये उड़ीसा के क्षेत्र में निवास करते हैं, वहाँ से ये यहाँ सामाजिक स्तरीकरण के दृष्टिकोण से आए थे और बस्तर के शासकों ने इन्हें राजकीय मान्यता दे दी थी जनेऊ धारण करने का अधिकार देकर। उसके बाद आप बताएंगे कि भतरा का मतलब क्या होता है, भृत या सेवक होता है। इसका मतलब ये है कि भतरा जनजाति के जो पूर्वज थे वो कामकाज के मामले में बहुत विश्वास पात्र थे, ये बस्तर के राजाओं के सेवक हुआ करते थे, घरेलू काम में इनकी हेल्प किया करते थे, इनके चौकीदार हुआ करते थे, मतलब इनके गार्ड हुआ करते थे, तो इस प्रकार से ये उनकी सेवा किया करते थे, इसलिए इन्हें बस्तर के शासकों का सेवक कहा जाता था। और इसलिए ही सामाजिक रूप से ये जो लोग हैं ये इनका जो स्थान है वो उच्च है, मतलब कि जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च स्थान किसका है, भतरा जनजाति का है, ये इनकी विशेषता है। और ये इनकी विशेषता आप कैसे बताएंगे, यहाँ से होकर बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, भृत या सेवक, क्यों कहा गया इन्हें भृत या सेवक, क्योंकि जनजाति के लोग जो हैं सेवक का कार्य किया करते थे, कामकाज के मामले में विश्वास पात्र हुआ करते थे, बस्तर के शासकों के सेवक हुआ करते थे, इसलिए इन्हें भतरा कहा गया। और इनके कार्य की वजह से ही इन्हें सामाजिक रूप से जो इनका स्थान है वो उच्च है, इस प्रकार से आपको बताना है। इनकी जो पहली जो विशेषता है वो तो सामाजिक दृष्टिकोण से हो गई, जो दूसरी विशेषता है वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है। इनमें जो प्रमुख विशेषता है वो है इनका भतरा नाट। जो भतरा नाट है वो एक लोक नाट्य है, युद्ध प्रधान होता है, इसमें रामायण महाभारत और जितने भी पौराणिक आख्यान होते हैं उनकी कथानकों पर यह केंद्रित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भतरा जनजाति के लोग भतरा नाट करते हैं, एक लोक नाट्य है, बहुत फेमस है, पूरे बस्तर अंचल में फेमस है। तो इस प्रकार आपको बताना पड़ेगा कि इन लोगों के द्वारा भतरा नाट किया जाता है जो कि इनकी विशेषता है। तो आपके आंसर में कुछ हो चाहे ना हो कि ये लोग बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं, ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, भतरी बोली बोलते हैं, ये सब हो या ना हो वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन 60 वर्ड्स में जब आप आंसर लिख रहे हैं तो कम से कम ये दो बातों का आप ध्यान रखिएगा कि आपके आंसर में क्या होना चाहिए, कि सामाजिक रूप से इनका ऊंचा स्थान है अन्य जनजातियों की तुलना में, और दूसरा इनमें सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, भतरा नाट है, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। तो आपको अपने आंसर में इन दोनों बिंदुओं को लिखना पड़ेगा। इन दोनों बिंदुओं के लिए आप यदि दो दो लाइन लिखिए तो 4 लाइन ऐसे ही कंप्लीट हो गया। और आप थोड़ा इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाइए कि कैसे वो यहाँ से यहाँ आए, इनको राजकीय मान्यता प्राप्त हुई, तो इस प्रकार से आपके 60 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको अपने आंसर ऐसे फॉर्म करने, ऐसे लिखने हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित जनजाति की धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ट्राइब इकोनॉमिकली। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में लिखना है आपको इसके आंसर को। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, आप जब ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वो 2 प्रश्न पूछ रहा है। पहला तो ये, वो ये पूछ रहा है कि आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है कौन सी, और दूसरा ये कि इसके धार्मिक मान्यताएं क्या क्या की है। तो देखिए, जब आप कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से समृद्ध है या विकसित, तो जब आप ये बताएंगे तो आप ये बताएंगे कि क्यों है ये विकसित। मतलब कि आपको 2 पार्ट्स में इसका आंसर लिखना है। फर्स्ट हाफ में क्या होना चाहिए कि आर्थिक रूप से समृद्ध कौन सी जनजाति है और क्यों है, और दूसरे पार्ट में इसका आंसर होना चाहिए कि इनकी धार्मिक मान्यताएँ क्या किया क्या है क्या क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो स्टार्ट आप ऐसे करेंगे कि जो हलबा जनजाति है उसे अन्य जनजातियों की अपेक्षा में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध माना जाता है। हलबा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हल से हुई है। हलवाग होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? हलबा कहा गया। ये इनकी जो गणना होती है वो संपन्न कृषकों में की जाती है। ये मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते हैं और ये खुद को भूमि के स्वामी मानते हैं। तो पहले हाफ में, मतलब कि पहले 30 वर्ड्स में आपको ये बताना है कि हलबा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते हैं। हल वाहक होने के कारण इन्हें हलबा कहा गया। ये लोग भूमि के स्वामी होते हैं और संपन्न कृषकों में इनकी गणना की जाती है, इसलिए ये आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध माने जाते हैं अन्य जनजातियों की अपेक्षा। फिर आपको बताना है इनके धार्मिक पक्ष के बारे में। आप बताएंगे कि इस जनजाति के लोग जो हैं सभी देवी देवताओं को मानते हैं और अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? शिव और पार्वती से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। कालांतर में ऐसा हुआ कि इस जनजाति के जो लोग हैं वो 2 उपसमूहों में विभाजित हो गए, पहले कबीरपंथी और दूसरे सवता। ऐसे लोग जिन्होंने मांस और मदिरा का त्याग कर दिया वो खुद को कबीरपंथी कहे, और ऐसे लोग जो देवी दुर्गा की उपासना करते थे उन्हें सवता कहा गया। तो इस प्रकार से आप बताएंगे इनके धार्मिक मान्यताओं को। चूंकि ये लोग जो हैं बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं और बस्तर क्षेत्र की जो आराध्या है वो दंतेश्वरी माता है, तो ये लोग भी दंतेश्वरी माता की पूजा करते हैं, इनके लिए वो पूजनीय है। तो इस प्रकार से आप 60 वर्ड्स में अपने आंसर को लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना आंसर जो है अगर आप सिस्टमेटिक वे से लिख लें तो बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगा देखने वाले को, जो जांच करता है उनको उनको समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स में पूछा गया है और आपने दोनों को जस्टिफाई किया अपने आंसर में। तो आपको अपना आंसर ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 शब्दों में लिखना है, राइट अ ब्रीफ कमेंट अबाउट द भारिया ट्राइब। देखिए, इससे पहले जो भद्रा जनजाति के बारे में पूछा गया था तो ये कहा गया था कि उनकी विशेषताओं को बताइए, लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन किया गया तो यहाँ पर ये कहा गया कि भारिया जनजाति के बारे में बताइए। अब आपके पास जो भी जानकारी है भारिया जनजाति के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब बाकी सबके आंसर से आपका आंसर जो है यूनिक कैसे होगा, अलग कैसे होगा, इम्प्रेसिव कैसे होगा, ये कंटेंट पे तो निर्भर करता ही है, लेकिन अब कंटेंट तो सेम हो सकता है क्योंकि आप कुछ भी जानते हैं भारतीय जनजाति के बारे में, आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन मेन रोल क्या प्ले करेगा? आपका प्रेजेंटेशन, कि आपने कितने सिस्टमेटिक वे में अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है, यही आपके आंसर को इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर आंसर में ही आपके आंसर को क्या करेगा, बाकियों से अलग करेगा, अच्छा करेगा। आकांक्षा पांडे जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर को लिखा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप उनका आंसर जाके देखिए। उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनकी जो हैंड राइटिंग है, उनका जो कंटेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा लिख रही हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रेजेंटेशन ये तय करेगा कि बाकियों से आपको नंबर ज़्यादा क्यों मिले और कैसे मिले। तो ये कंटेंट लगभग सेम होगा, आपको यही बताना है इसमें कि भारिया जनजाति जो है वो द्रविड़ियन मूल की जनजाति है, जो कि कहाँ निवास करती है? छत्तीसगढ़ में। ये सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में निवास करती है। ठीक है, ये लोग जो हैं भरनौटी बोली बोलते हैं। जीवन शैली के बारे में आप बताइएगा कि घने जंगलों में, ऊंची नीची घाटियों में ये लोग स्पेशली निवास करते हैं। मेनली ये लोग कहाँ निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश की जो विशालकाय घाटी है, पातालकोट की जो घाटी है, वहाँ पर ये गोंडों के साथ निवास करते हैं। ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 2 से लेकर 25 तक का घर होता है और उस स्थान को क्या कहा जाता है? ढाना कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये लोग कहाँ निवास करते हैं? जंगलों में, घने जंगलों में निवास करते हैं, ऊंची नीची घाटियों में निवास करते हैं।
तो वहाँ पर जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं वहाँ पर ना ऐसे कोई स्वास्थ्य की सुविधा है, कोई अस्पताल है, ना ही कोई ऐसे कुछ यातायात की सुविधा है, लेकिन फिर भी ये अपने परंपरागत शैली में वहाँ पर निवास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। अगर कोई बीमारी होती है किसी को तो वो अपने हिसाब से बैगा के हिसाब से झाड़ फूँक करके उसका इलाज करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी जीवन जो है उस घाटियों में भी जी रहे हैं जहाँ पर बिजली का पता नहीं है, यातायात का पता नहीं है, स्वास्थ्य यदि ख़राब हो जाए तो फिर क्या होगा, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये लोग घने जंगलों में निवास करते हैं, इनके प्रत्येक घर में आम और महुए का संग्रहण किया जाता है। किसका संग्रहण किया जाता है? आम और महुए का, मतलब कि गर्मी के समय में ये लोग आम और महुए का संग्रहण करते हैं, और उसके बाद जब बारिश का मौसम आता है तो इसी आम की बीजी की रोटी और महुए की रोटी ये लोग बनाते हैं और खाते हैं। ये इनका प्रमुख बरसाती भोजन है। तो देखिए, अभी तक मैंने जितना बताया कहीं ना कहीं जो पिछला सेंटेंस है आने वाले सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे पे हम चल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका प्रमुख बरसाती भोजन क्या है, महुए और आम की बीजी की रोटी। उसके बाद आप बताएंगे इनके आर्थिक जीवन के बारे में कि ये लोग चूँकि कहाँ रहते हैं, घने जंगलों में निवास करते हैं, तो इसलिए इन लोग वहाँ पर स्थानांतरित कृषि करते हैं। ये जो स्थानांतरित कृषि करते हैं इन लोग, उसे इन लोग क्या कहते हैं? दहिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग वनोपज संग्रह करते हैं, शिकार करते हैं, और विशेष प्रकार की ये लोग जो पेड़ के छाल होते हैं उसे रस्सियां बनाने का काम करते हैं। इनका पारंपरिक कार्य है कि ये लोग क्या करते हैं, पेड़ की छाल से रस्सियां बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके आर्थिक जीवन को बताइएगा। फिर आप इनके धार्मिक विशेषताओं पे आएंगे कि देखिए ये लोग ना बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। इनके जो कुल देवता हैं वो बूढ़ा देव है, नागदेव है, दुल्हा देव है, ये बागेश्वर देवता की पूजा करते हैं। जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं वहाँ 7 स्थानीय देवियों की पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुठवा बाबा, इनके गांव में एक चबूतरा होता है जहाँ पर मुठवा बाबा का स्थान होता है। जितने भी ग्रामवासी होते हैं वो वर्ष में एक बार सभी के सभी लोग गैदर करके मिलकर इनकी पूजा करते हैं। इनके गांव में मेघनाथ का स्तंभ जो है स्थापित किया जाता है और होली के अवसर पर उनकी पूजा की जाती है। इनकी ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भीमसेन हैं वो विवाह का वरदान देने वाले देवता हैं, तो इसकी स्थापना जो है, भीमसेन देवता की स्थापना ये लोग अपने गांव के सबसे पवित्र पेड़ के नीचे चबूतरे में करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके धार्मिक विशेषताओं को बताएंगे। इस जनजातियों में ऐसा होता है कि सांस्कृतिक पक्ष में हम आ रहे हैं ना, तो इस जनजातियों में ऐसा होता है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी कोई जो होते हैं वो नृत्य में पारंगत होते हैं। इनके जनजातियों में विवाह के अवसर पर भड़म नृत्य किया जाता है, जो कि जितनी भी जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है उसमें सबसे लंबे समय तक इस नृत्य को किया जाता है, और सभी के सभी इस नृत्य में थिरकते हैं। तो इस प्रकार से इनमें भड़म नृत्य किया जाता है, इनमें राजनी बाजी विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में जितनी भी जानकारी जानते हैं आप 100 शब्दों में लिख सकते हैं। सब हेडिंग्स डाल के अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा आई कैचिंग होगा, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ किन किन बातों को लिखा होगा। तो इस प्रकार से आपको 100 शब्दों में यदि आप साइड हेडिंग डाल के लिख रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके जो सेंटेंस है उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और अगर आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो भी आप ऐसा लिख सकते हैं। आपको जहाँ जाना है आप उस पर जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने आंसर को आई कैचिंग बनाना है, बहुत ही बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सके ऐसा बनाना है, तो आप इस प्रकार से लिखें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये, भौगोलिक परिस्थितियों का जनजाति जीवन पर प्रभाव को समझाइए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन ऑन द ट्राइबल लाइफ। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 175 वर्ड्स में आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है कि भौगोलिक परिस्थितियों का जनजातीय जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, 3 बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमको किस डायरेक्शन में लिखना है, क्योंकि इसे हमें 175 वर्ड्स में लिखना है। जिन लोगों ने भी आंसर लिखा है लगभग लगभग पहुँचे हैं वहाँ तक जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए, मतलब कि आंसर ठीक लिखा है उन्होंने। लेकिन अनामिका राकेश, मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि आपने जो आंसर लिखा है उसमें आपने इनकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी दी है, बताया नहीं है कि इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, मतलब कि कैसे इस भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव इनके ऊपर कैसे पड़ता है आपने नहीं बताया है। और जो खगेश कुमार हैं उनके आंसर में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। आप यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे
तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या अंतर है आपके आंसर में और जो मैं अभी बताने वाली हूँ उस आंसर में। आप थोड़ा अपने आंसर को सुधार कर सकते हैं, इससे बेहतर बना सकते हैं अपने आंसर को। बाकी जिन लोगों ने आंसर लिखा है सही डायरेक्शन में लिखा है, ठीक ठीक अच्छा अच्छा लिखा है, लेकिन आकांक्षा पांडे जी का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया, तो आप उनका आंसर जाके देखिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे होना चाहिए। पहले हम सवाल को ही समझते हैं। पूछा ये जा रहा है कि भौगोलिक परिस्थिति, मतलब कि छत्तीसगढ़ में जो लोग नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं, जो लोग साउथ एरिया में रहते हैं, जो लोग सेंट्रल जोन में रहते हैं, जो लोग ईस्ट में रहते हैं और जो लोग वेस्ट में रहते हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, और इस भौगोलिक क्षेत्र में जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी साधन है इनके पास, उससे ये कैसे प्रभावित हो रहे हैं, कैसे इनका जीवन इससे प्रभावित हो रहा है, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित हो रहा है। तो आपको ये बताना है इसमें कि ये लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ के हिसाब से इनका कल्चर कैसा है, कैसे ढल जाते हैं उस एरिया की, मतलब कि उस एरिया का प्रभाव क्या है जिसकी वजह से इस जनजाति लोगों में अलग अलग क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, तो इनके कल्चर में विविधताएं पाई जाती है, इनका जो आर्थिक जीवन होता है, इनका जो पारंपरिक कार्य होता है उसमें विविधताएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको पूरा ज्योग्राफिकल एरिया को फोकस करना है और आपको अपने आंसर को दिखना है। तो देखिए पहले आप बताएंगे कि जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं ना, कई बार तो ऐसा होता है कि इनका जो नाम होता है ना उसकी वजह से ही होता है। जैसे कि अबू झमाड़िया जनजाति, ये लोग अबू झमाड़ के क्षेत्र में निवास करते हैं इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, अबू झमाड़िया रखा गया। जैसे कि कोरबा जनजाति, इन्हें दो समूहों में विभाजित किया गया है, एक तो पहाड़ी कोरबा और दूसरा दिहाड़ी कोरबा। जहाँ कोरबा जनजाति पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है वहाँ पर इन्हें क्या कहा गया, पहाड़ी कोरबा कहा गया, और जहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र में निवास करती है वहाँ इन्हें क्या कहा गया, दिहाड़ी कोरबा कहा गया। बिरहोर, बिरहोर, बीर का मतलब क्या होता है, वन, और होर का मतलब होता है मानव, वन में रहने वाले मानव को क्या कहा गया, बिरहोर कहा गया। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग जहाँ पर निवास करते हैं उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया है, ठीक। तो बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी है कि जिनके निवास के हिसाब से इनका नाम रखा गया है, सभी नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी कह रही हूँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अपने जो शब्द के सिलेक्शन है उस पर बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और किन किन शब्दों का उपयोग करने जा रहे हैं। दूसरा आपको भाषा बताना है कि जहाँ पर इन लोग रहते हैं, जैसे कि कोई जनजाति जो है बस्तर क्षेत्र में रहती है और यदि वो हलबी बोली बोलती है तो हलबी बोली में किन किन भाषाओं का प्रभाव होता है, छत्तीसगढ़ी का होता है, हिंदी का होता है, उड़िया का होता है। तो आप बताइएगा कि जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं, अगर ये छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करते हैं तो आसपास के राज्यों की भाषा का इनमें प्रभाव होता है। इवन इनका जो बोलने का तरीका होता है, जो टोन होता है, वो भी आसपास के राज्यों के भाषा के, उनके के तरीके के हिसाब से होता है। तो आप बताएंगे कि जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ वहाँ के जो लैंग्वेज होते हैं, आसपास के जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज जो होते हैं वो इनको प्रभावित करते हैं। और आप ये बताइएगा कि चूंकि ये लोग अपनी अपनी बोली बोलते हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नीचे क्षेत्र में जो जनजातियाँ निवास करती है, मतलब कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में, वो नॉर्दर्न एरिया में जो जनजाति निवास करती है उनकी बोली अलग अलग होती है और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि ये अपनी ही बोली जानते हैं, इन्हें ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है। तो इस प्रकार से आप बताइएगा कि अलग अलग क्षेत्र में निवास करने की वजह से इनकी जो बोलियाँ होती है वो अलग अलग होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये लोग जो अपना कार्य करते हैं, जिससे इनका जीवन यापन चलता है, जिनसे इनकी आमदनी होती है, वो भी कहीं ना कहीं उस ज्योग्राफिकल एरिए का उस पर प्रभाव होता है। जैसे कि खैरवार जनजाति के लोग सरगुजा के क्षेत्र में रहते हैं और वो लोग खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आप बताइएगा कि बैगा जनजाति के लोग जो है मैकल रेंज में निवास करते हैं, वहाँ साल वृक्ष की अधिकता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये लोग, इनके जो देवता हैं, बूढ़ा देव हैं, वो कहाँ निवास करते हैं, साल वृक्ष में निवास करते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। तो आप बताइएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि उस ज्योग्राफिकल एरिया के प्रभाव के कारण इनकी मान्यताएं या इनका कार्य कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार जो कमार जनजाति के लोग हैं वो लोग बाँस शिल्प का कार्य करते हैं, क्यों, क्योंकि गरियाबंद जिले में ये लोग निवास करते हैं और वहाँ पर बाँस के पेड़ों की अधिकता है।
जो जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, जो लोग स्थायी रूप से उनका घर नहीं होता, जिनके घर की जो वैलिडिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी कह सकते हैं या फिर उनकी लाइफ कह सकते हैं, वो 4 से 5 साल की होती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक जगह 4-5 साल रहकर फिर दूसरी जगह में क्या करते हैं, ये लोग ट्रांसफ़र कर जाते हैं और फिर वहाँ रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग, जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, दुर्गम जंगलों में निवास करते हैं, वहाँ पर ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और ऐसे लोग जो लोग मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं, वो लोग सैटल कल्टीवेशन करते हैं। तो आप ये बताइए कि इनके ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ये लोग अपना जो कार्य है वो भी करते हैं। उसके बाद आप इनके धार्मिक पक्ष में आ सकते हैं। धार्मिक पक्ष का मतलब ये है कि जसपुर का जो एरिया है, सरगुजा का एरिया है, यहाँ पर उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर एशिया का दूसरा बड़ा चर्च है गुनकुरी में, तो उसके प्रभाव के कारण बहुत सारी उराव जनजाति के जो लोग थे उन लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। वो कन्वर्ट हो गए ईसाई धर्म में। बस्तर क्षेत्र में दंतेश्वरी माता का मंदिर है, जगदलपुर में है, दंतेवाड़ा में है, तो पूरे बस्तर क्षेत्र की आराध्या देवी कौन है? दंतेश्वरी माता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां हैं, वो किसी देवी देवता को माने या ना माने, लेकिन वो दंतेश्वरी माता की पूजा जरूर करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर उनका मंदिर है। विंध्यवार जनजाति के लोग विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं, विंध्य के क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, और इसलिए ये लोग विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से इनकी धार्मिक मान्यताएं भी जो है वो कनेक्ट कर रही है इनका नामकरण। इन जनजातियों में ऐसा मानना है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो भगवान की देन होते हैं, और इनमें पहला संस्कार क्या होता है? नामकरण होता है। और जब भी देखिएगा, जब भी नामकरण होता है तो इनके बच्चे के जो नाम होते हैं वो हमेशा प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। पेड़ पौधों के नाम होते हैं, पर्वत के होते हैं, नदियों के नाम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं। जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जहाँ पर जो चीज़ें ये लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं? ये लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं। सांस्कृतिक में आप देख सकते हैं कि उनके जो नृत्य होते हैं, आप जब भी इनके डांस देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ये लोग डांस करते हैं उसमें इनके कहीं ना कहीं पूरे जीवन की परछाई होती है, और जो भी इनकी मान्यताएं होती है, चाहे धार्मिक की बात करें चाहे आर्थिक की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि गौ डांस में ये लोग जंगली भैंसे का सिंग लगाकर डांस करते हैं, और जो पूसकोलांग नृत्य होता है उसमें जो लोग डंडे का प्रयोग करते हैं, धवाई वृक्ष का जो डंडा होता है वो पर्टिकुलर उस एरिया में मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो भी पर्टिकुलर कहीं ना कहीं उसी एरिया में मिल रहा है, उसी एरिया में उसकी अवेलेबिलिटी है। तो इस प्रकार से वो लोग उसे यूज़ करते हैं। जो इनके डांस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करते हैं। इनके जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि बैगा जनजाति के लोग क्या करते हैं, ताड़ी इनका प्रिय पेय पदार्थ है। क्यों ताड़ी है? क्योंकि उस मैकल रेंज में ताड़ी का पेड़ है, वहाँ से वो लोग रस निकालते हैं और इसलिए उसे पीते हैं। बस्तर के क्षेत्र में सल्फी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि नीचे सल्फी पेड़ जो है वो होता है बस्तर क्षेत्र में, इसलिए उस क्षेत्र में सल्फी फेमस है। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल एरिया और वहाँ पर जो भी अवेलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है इनके जीवन को। तो इस प्रकार से आपको 175 वर्ड्स में अलग अलग पक्ष को बिंदुओं पे रखते हुए आपको इसे एक्सप्लेन करना है और उसका आंसर जो है लिखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो लोग इस तरीके से अपना आंसर नहीं लिखे हैं वो एक बार इस तरीके से अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। तो अब हम मिलते हैं होली के बाद। अब जो भी होली की छुट्टियां चलने वाली है तो 2 दिन तक हमारा वीडियो नहीं आने वाला है, लेकिन उसका जो अगला दिन होगा उस दिन आपको जो 2 वीडियो है, जो 2 दिन की छुट्टी होगी आपकी, वो दोनों वीडियो आपको उसके अगले दिन मिल जाएगा। तो धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।